एक नारी सब पे भारी, लेकिन जब तीन नारियां सुपर हीरो बन के बन आ जाए तो बताइए वो कितना कहर मचाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं मूवी अभी अभी देख कर आ रहा हूँ वो है द मार्वल्स। सो द मार्वल्स जो है मार्वल सीरीज की एक अपकमिंग स्टोरी लाइन को खोलती है और मल्टीवर्स सागा की अगली मूवी है, जिसमें हमारे तीन मेजर सुपर हीरोज, जिनका इंट्रोडक्शन शायद आप पहले से जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते उनको आज हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो मेन लीड में कैप्टन मार्वल, साथ में मिस मार्वल और साथ में अब आ गई है मोनिका, कैप्टन मोनिका। उनका कोई सुपर हीरो नेम नहीं है। तो मूवी में शुरुआत हमें दिखाई गई है कि जहाँ से आपने अगर मिस मार्वल की सीरीज देखी हो या फिर सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज देखी हो, वांडा विजन देखी हो, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस मूवी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। शुरुआत वहीं से है कि तीन फीमेल सुपर हीरोज, जैसे जैसे मार्वल कॉमिक्स अपने सुपर हीरोज में फीमेल सुपर हीरोज को बढ़ाया जा रहा है, ये उसी के लिए एक और कदम है। मूवी की टाइम 2 घंटे का है, मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करती है और इसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स बेहतरीन हैं। कहानी जो है सर वो मोस्टली स्क्रल्स और कीर की है। जो आपको याद होगा हमारी कैप्टन मार्वल ने जिस तरह स्क्रल्स को बचाने के लिए क्रीज के प्लैनेट को तबाह कर दिया था, तो अब उस प्लैनेट की एक बेटी, वहाँ पे विलन भी लेडीज ही है ना, देखिए कहते ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इस मूवी ने साबित कर दिया। तो वहाँ की एक लड़की जो अब अपने आप को वहाँ की क्वीन एक तरह से साबित करना चाहती है, उसने ठान लिया है कि वो अपने प्लैनेट थाला को दोबारा रीइन्वेंट करेगी और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसके बाद हमारी नई सुपर हीरो इन द मार्वल यूनिवर्स मिस मार्वल की एंट्री होती है, और जो उनके पास एक बैंगल है जिसका एक लोगों को लगता था कि ये हमेशा एक ही बैंगल है, इसकी पेयर कहाँ है, तो ये कहानी कहीं ना कहीं दूसरी बैंगल की खोज पे है। अगर मैं बात करूँ मूवी के रन टाइम के लिए, तो कहीं भी आपको एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। बहुत एक फास्ट क्रिस्प और कट टू कट सीन की मूवी है, और साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं जो एक्शन के मामले में कोसों 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 आगे निकल जाती है। मैंने ये मूवी 3D में देखी, मैं IMAX में देखना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे हमारे टाइगर भाईजान छाए हुए हैं, तो टाइगर की वजह से हमें IMAX में पहली बार मार्वल की मूवी देखने को नहीं मिली। तो जो लोग मार्वल्स की मूवी IMAX में देखना चाहते हैं, सॉरी, आपको शायद टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हॉलीवुड की 3D भी IMAX से कम नहीं होती। एट द एंड ऑफ द मूवी, जो मार्वल्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिड क्रेडिट को बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। इस मूवी में कॉमेडी, एक्शन और स्टोरी तीनों की भरमार है। मैं जानता हूँ टाइगर 3 के सलाब के सामने इस मूवी को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली है, लेकिन कंपैरेटिवली उन्होंने विमेन पावर को बहुत एम्फसाइज किया है। तो लड़कियों से मैं सजेस्ट करूंगा कि जाइए और ये मूवी ज़रूर देखिए, आप अपने बच्चों के साथ ये मूवी बहुत अच्छे से देख सकती हैं, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, गिव इट अ ट्राई। अगले रिव्यू के लिए मिलेंगे, आप देखते रहिए बूंदे टॉकीज, हम हैं आपके साथ।